जनता बैंक के चेयरमैन ने जुमा के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हेड कैशियर गिरफ्तार है, हेड कैशियर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। उन्होंने झूठ कहा था, गलत कहा था, ना तो एफआईआर हुई थी ना ही हेड कैशियर गिरफ्तार थे, बल्कि आज तक अभी भी वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जांच चल रही है। इसी सिलसिले में हमने बात की है, लेकिन अव्वलियत यह है कि जो 28,80,000 रुपये है वो रिकवर होना चाहिए, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। ये बॉडी डिजॉल्व है कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस मामले में जो 28,80,000 उसमें कैशियर ने नाम लिया ना, कैशियर ने नाम लिया, वो क्या सही है क्या गलत है वो जांच का पहलू है। पुलिस जो है अपने लेवल पर उस पर जांच कर रही है और वो अगर मुजरिम है तो उन पर जरूर कार्रवाई होगी, ये हमारा मुतालबा भी है और पुलिस का भी यही बोलना है। बात दरअसल में ये है, जैसा आप लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जनता बैंक में 28,80,000 रुपये की जो चोरी पकड़ी गई है, इसी चोरी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर एक तहरीरी याददाश्त देने के लिए आए थे, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि हेड कैशियर ने जिन लोगों का नाम लिया है उन तमाम लोगों को इस जांच में शामिल किया जाए और जनता कोऑपरेटिव बैंक के जो शेयर होल्डर्स की जो रकम है 28,80,000 रुपये, वो किसी भी सूरत में वापस होना चाहिए। इसमें जो जो लोग मुलव्विस है वो लोगों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होना चाहिए। हमारे यहाँ के जितने भी कोऑपरेटिव इदारे हैं, इन कोऑपरेटिव इदारों में हम मुसलसल ये बात बोलते रहे कि चोरी हो रही है, हम मुसलसल ये बोलते रहे कि ये कोऑपरेटिव इदारे के चैंपियन चोर है, और वो तमाम बातें जो है धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हो रही है कि इन्होंने चोरी का सिलसिला जारी रखा है, कमीशन खोरी का सिलसिला जारी रखा है, जिसके चलते आज जो है 28,80,000 रुपये का खुद चेयरमैन ने भी एतराफ़ किया और खुद जो है हेड कैशियर ने बताया कि इसमें कौन कौन लोग मुलव्विस है। हम यही मुतालबा लेकर एएसपी साहब के पास यहाँ आए थे और हमारे साथ में सब बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद है, इन्होंने भी उनसे मुतालबा किया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो लोग भी मुलव्विस है वो सब लोगों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही कोऑपरेटिव इदारे के बका और तहफ़ुज़ के लिए, शेयर होल्डर्स की रकम जो वहाँ डिपॉजिट है उसके तहफ़ुज़ के लिए हम जो है तमाम बातों को भूलकर इसके तहफ़ुज़ और बका के लिए आज भी आने के लिए तैयार है। लेकिन मुतालबा ये है कि जिन पर इल्ज़ाम आयद किए गए और जिन लोगों की लापरवाही से ये पूरी जो हादसा हुआ है, तो उन लोगों ने अखलाकी तौर से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उसके बाद ही सही और साफ सुथरे माहौल में जाँच हो सकती है। बहुत बहुत